हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स, जब भी हम कलवर्ट की बात करते हैं, माइनर ब्रिज की बात करते हैं, मेजर ब्रिज की बात करते हैं, तो आप रिटर्न वॉल के बारे में सुनते हैं। तो रिटर्न वॉल क्या होता है? जब हम आपकी रोड को ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो आपका एक अप्रोच बनाते हैं। जैसे ये आपका रोड है, यहाँ पे आपका ब्रिज है, तो रोड को ब्रिज से कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम अप्रोच बनाएंगे। और अप्रोच में जो आपका सॉइल आता है और उस सॉइल को रिटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए, दोनों साइड हम रिटेन वॉल बनाते हैं जो कि आपकी सॉइल को होल्ड करके रखता है। और जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी रिटेन वॉल है उसकी क्वांटिटी को हम ड्राइंग के थ्रू एक्सेल सीट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप इस सेशन को अंत तक देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स, जब आप मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स को देखोगे या फिर आप किसी भी ब्रिज के प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स को देखोगे तो उसमें आपको रिटेन वॉल की डिटेल कहाँ पर मिलेगी? हम कॉन्क्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें डायमेंशन डिटेल तो चाहिए, और इसके लिए आपको रिटेन वॉल का ड्राइंग का डिटेल देखना पड़ेगा। जब आप अबटमेंट फाउंडेशन का प्लान देखेंगे तो उसमें आपको रिटेन वॉल का डिटेल मिल रहा होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये अबटमेंट फाउंडेशन का प्लान दे रखा है। आप ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। इसमें आपको ये दे रखा है प्लान ऑफ अबटमेंट। तो ये हमारा क्या है, अबटमेंट फाउंडेशन का प्लान है। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से फील कर पाएंगे। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, अबटमेंट का प्लान है। जो हमारा अबटमेंट फाउंडेशन बनेगा इस मेजर ब्रिज का, इसका क्या दे रखा है, आपको ये प्लान दे रखा है। और इसी अबटमेंट फाउंडेशन के ऊपर आपका अबटमेंट भी बनेगा और आपकी रिटर्न वॉल भी आएगी। तो ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, अबटमेंट है। ये हमारा क्या बन रहा है, अबटमेंट बन रहा है, जो कि आपका 7500 मिलीमीटर बाई 850 का है। अब इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, आपको अपना रिटर्न वॉल दिखाई दे रहा होगा। ये देखेंगे, इसके जस्ट पीछे, अबटमेंट के जस्ट पीछे ये आपको क्या दिया हुआ है, रिटर्न वॉल दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, रिटर्न वॉल है, जिसकी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रिटर्न वॉल है। ये हमारा क्या है, रिटर्न वॉल है, जो कि आपको प्लान में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी हम सेक्शन की तरफ भी चलेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो रही होंगी। ये हमारा क्या है, रिटर्न वॉल का प्लान है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो आपका रिटर्न वॉल, उसकी ब्रेथ दे रखी है, रिटर्न वॉल का ब्रेथ, या फिर आप बोलें कि जो थिकनेस है वो कितना है, 800 mm है। रिटर्न वॉल का थिकनेस कितना दे रखा है, आपको 800 mm दे रखा है। और जो आपका रिटर्न वॉल है उसकी लेंथ भी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो रिटर्न वॉल का लेंथ कितना दे रखा है, आपको 4500 मिलीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको प्लान में दो चीज़ें मिल जाएंगी, एक तो आपको रिटर्न वॉल का लेंथ मिल जाएगा और दूसरा जो आपका रिटर्न वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो आपको मिल जाएगी 800 mm। यदि हम इसका सेक्शन कट करके देखते हैं तो आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो जो आपका अबटमेंट फाउंडेशन, इसका आप अलोंग द ब्रिज सेक्शन कट करें और इसको आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे अपने नेत्र लगाइए यहाँ पे और फिर इसको देखिए, तो आपको चीज़ें कुछ इस तरह से दिखाई देंगी और आपको रिटर्न वॉल का डिटेल दिखाई दे रहा होगा। ये देखेंगे, आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है अबटमेंट फाउंडेशन का अलोंग द ब्रिज, तो यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। ये देखेंगे, ये आपको रिटर्न वॉल का कम्प्लीट डिटेल दिया हुआ है। ये हमारा क्या आ रहा है, रिटर्न वॉल आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा रिटर्न वॉल जो कि आपका अबटमेंट के जस्ट पीछे आ रहा है। और ये हमारा क्या है, अबटमेंट है। ये हमारा क्या है, अबटमेंट है। क्लियर? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। और यहाँ पे देखेंगे साइड में तो आपको रिटर्न वॉल का एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है। ये देखेंगे, ये क्या है, आपका साइड में रिटर्न वॉल का आपको एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है। तो क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं थिकनेस आपका कितना है, 800 mm है। बाकी आपका जो लेंथ है वो अभी हमने डिस्कस किया ही था, 4500 है। क्लियर? ये लेंथ आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है आपका, ये वाला लेंथ, ये लेंथ आपको कितना दे रखा है, 4500 दे रखा है, 4500 mm दे रखा है। ये हमारा लेंथ है, अभी हमने प्लान में देखा था। अब अगर हम इसकी हाइट निकालें तो इसकी क्वांटिटी निकल आएगी। इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट निकालने के लिए आप देखेंगे, आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये आपको फाउंडेशन का टॉप पोर्शन दे रखा है 350, इसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये हाइट दे रखी है 4432, इसको ऐड कर लीजिए। 350 का पेडस्टल दे रखा है, उसको ऐड कर लीजिए। और ये आपको 1687 दे रखा है, इसको ऐड कर लीजिए। और जो आपका 1687 है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको FRL के टॉप से दे रखा है। आपका जो 1687 है वो क्या है, आपका FRL के टॉप से है। और तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, आपका वेयरिंग कोड माइनस करना पड़ेगा।
ये देखिए ये क्या है आपका FRL का टॉप है ये, तो वहाँ से आपको 1687 मिलीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से हमें 75 mm का बियरिंग कोड माइनस करना पड़ेगा। और ये क्या है आपका बियरिंग कोड है 75 mm का, ये देखिए ये हमारा 75 mm का क्या आ रहा है बियरिंग कोड आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें अगर हम ऐड करके माइनस कर दें तो हमारा इसका हाइट निकल आएगा। ये देखेंगे इसका हाइट कितना होगा, तो ये इसका हाइट होगा बियरिंग कोड माइनस करने के बाद, ये इसका हाइट होगा। तो यहाँ से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, ये देखेंगे हाइट कैसे निकलेगा। हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 0.35 हमारा फाउंडेशन का जो टॉप पोर्शन है उसको ऐड कर रहे हैं, प्लस आपका 4.432 और प्लस आपका पेडेस्टल 0.35 और प्लस आपका 1.687, इसको हम ऐड कर रहे हैं। और इतना ऐड करने के बाद आप देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आपका बियरिंग कोड माइनस कर रहे हैं। ये आपका 75 mm का क्या है बियरिंग कोड है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका 75 mm का बियरिंग कोड माइनस हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद इसको मीटर में करते हैं 0.075, इस तरह से इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये 6.744 मीटर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, आपकी हाइट मिल गई है कि जो आपका रिटर्न बॉल है उसकी हाइट कितनी होगी, 6.744 मीटर होगी। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिटर्न बॉल का क्वांटिटी निकल आएगा। आप निकाल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ रिटर्न बॉल कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ रिटर्न बॉल कि एक रिटर्न बॉल को बनाने में कितना कॉन्क्रीट लगेगा। हमारा लेंथ कितना था 4.5 मीटर था, इंटू हमारा ब्रेथ कितना था, थिकनेस 0.8 मीटर है, 800 मिलीमीटर का है, और थिकनेस हमारा कितना दे रखा है 6.744। और आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। और मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा कि रिटर्न बॉल को कास्ट करने में कितना कॉन्क्रीट लगेगा। और ये सिर्फ एक रिटर्न बॉल का कॉन्क्रीट आया है, ठीक है, दूसरी साइड भी आपका सेम रिटर्न बॉल आएगा, तो इसके लिए आप टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अबटमेंट A1 में एक आपका रिटर्न बॉल बनेगा क्योंकि सिर्फ आपका एक एग्जिस्टिंग ब्रिज भी है। ये जो आपको प्रोजेक्ट है मैंने पहले भी कई बार आपको ओवरव्यू दिया है कि एक हमारा एग्जिस्टिंग ब्रिज है, उसके बगल में हम नया ब्रिज बना रहे हैं जो आपका नेशनल हाईवे उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो आपका एक अबटमेंट की साइड में एक ही रिटर्न बॉल आएगा, दूसरी साइड आपका एग्जिस्टिंग ब्रिज है और दूसरा रिटर्न बॉल आपका अबटमेंट A2 में आएगा। तो दो आपके रिटर्न बॉल आएंगे, एक अबटमेंट A1 में, एक आपका अबटमेंट A2 में, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि कितना कंक्रीट लगेगा इसको कास्ट करने में, क्लियर। तो ये तो हमने मैनुअली देख लिया, अब हम इसी चीज़ को एक्सेल में कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सेल में कर लेते हैं। ये देखेंगे हमारा ये मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का मेजरमेंट शीट है जिसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, जो कि आपने कई बार सेशंस में देखा होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये हम लोग रिटर्न बॉल का क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आपका रिटर्न बॉल है और सबसे पहले जो हमारा रेक्टेंगल पार्ट है उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। इसका मेजरमेंट हम मीटर क्यूब में कर रहे हैं। दो रिटर्न बॉल आएंगी, एक आपका अबटमेंट A1 में और दूसरा आपका अबटमेंट A2 में। रिटर्न बॉल का लेंथ हमारा कितना है 4.5 मीटर है और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है 0.8 मीटर है, यानी 800 मिलीमीटर। और इसकी जो हाइट है रिटर्न बॉल की अभी हमने कैलकुलेट की है, आपका 6.744 मीटर आएगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्वांटिटी निकल आएगी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। लेंथ आपका 4.5 है इंटू आपकी जो ब्रेथ है या फिर थिकनेस बोल सकते हैं 0.8 है, और इंटू आपकी जो हाइट है वो क्या है 6.744। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के आएगा 24.278 मीटर क्यूब, जो कि एक रिटर्न बॉल को कास्ट करने में कंक्रीट लगेगा 24.27 मीटर क्यूब। हमारी दो रिटर्न बॉल आ रही हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 × 2, जो आपकी दो रिटर्न बॉल है उसको कास्ट करने में आपको 48.55 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा M35 ग्रेड का। तो ये हमने रिटर्न बॉल की कंक्रीट का कैलकुलेशन कर लिया है। आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका रिटर्न बॉल है उसके पीछे एक आपका हॉन्च भी आ रहा है ताकि आपका जो नेगेटिव बेंडमेंट है उसको हम काउंटर कर सकें। ये प्लान में देखेंगे तो समझ आएगा आपको, ये आपको प्लान दे रखा है। ये हमारा अबटमेंट फाउंडेशन का प्लान है जिसमें आपको रिटर्न बॉल का भी डिटेल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा क्या पूरा अबटमेंट फाउंडेशन का प्लान है और इस प्लान में क्या हो रहा है, ये आपको अबटमेंट का प्लान दे रखा है और इसके पीछे ही हमारा क्या रिटर्न बॉल आ रहा है, ये हमारा रिटर्न बॉल आ रहा है, ये देखिए। और इन दोनों के जंक्शन पर जहाँ पे आपका रिटर्न बॉल और आपका अबटमेंट बॉल मिल रहा है वहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं ताकि इनके बीच में जो आपका नेगेटिव एंगलमेंट है उसको हम काउंटर कर सकें। ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ये ट्रायंगल आ रहा है, ये देखेंगे ये हमारा ट्रायंगल है जिसको आप हॉन्च बोल सकते हो,
ये हमारा क्या है हॉन्च है, और ये जो हॉन्च है वो कितने का दे रखा है आपको, 300 mm by 300 mm का ये दे रखा है। तो इसकी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं, आपका ये जो वर्टिकल है वो भी आपका 300 है, और ये जो आपका हॉरिजेंटल है वो भी आपको कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, ये आपको 300 दे रखा है, और ये आपको 300 दे रखा है। क्लियर? तो ये आपका ट्रायंगल है, तो इसके थ्रू हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और जो आपकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी निकाल लीजिए, क्वांटिटी ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट। तो ये ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका अबटमेंट है और जो आपका रिटर्न बॉल है उसके बीच में आपका हॉन्च बन रहा है, तो हॉन्च के लिए ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, और जो हमारा बेस है वो 0.3 हो जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो भी आपकी 0.3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकल के आया है। अब इस ट्रायंगल के एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकल के आएगा, कंक्रीट की क्वांटिटी निकल आएगी। तो इसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइट हमारा कितना दे रखा है, 6.744 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकल के आएगी मीटर क्यूब में। तो ये हमारा हॉन्च का कैलकुलेशन है जो कि आपका निगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करेगा, और ये सिर्फ एक साइड का हॉन्च निकल के आया। इस तरह से हमारे दो हॉन्च बनेंगे क्योंकि दो आपकी रिटर्न बॉल आ रही हैं, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैनुअल कैलकुलेशन। हम इस चीज़ को सेम टू सेम आपका एक्सेल शीट में कर सकते हैं, तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम आप एक्सेल में जाके इसको टाप दीजिएगा तो आपका क्वांटिटी निकल आएगा। तो मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। ये देखेंगे हमारा एक्सेल शीट दे रखा है, और यहाँ पे ये हॉन्च की हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो इसका जो मेजरमेंट है मीटर क्यूब में होगा, और आपका हॉन्च, दो हॉन्च आएगा अबटमेंट बॉल के पीछे, दो हॉन्च बनेंगे, और ये आपका लेंथ है 0.3 का, जो ब्रेथ है वो भी 0.3 दे रखा है, और ये जो आपको इसका हाइट है वो आपका 6.744 दे रखा है। तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, आप इक्वल प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद 1/2 को हम क्या लिख रहे हैं, 0.5 लिख रहे हैं, और इंटू आपका बेस कितना है, 0.3, और इंटू आपकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 0.3 दे रखी है। तो ये हमारा क्या है, एरिया निकला है। अगर हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा, और हमारा हाइट कितना है, 6.744। तो ये देखेंगे हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया 0.3 मीटर क्यूब, और ये सिर्फ एक हॉन्च का निकला है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों हॉन्च का हो जाएगा 1 × 2। एक हॉन्च में 0.3 लग रहा है तो दूसरे हॉन्च में कितना लगेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 0.6 मीटर क्यूब। अब आप इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके ऑटो सम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 49.16 मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपका रिटर्न बॉल बनेगा अबटमेंट बॉल के जस्ट पीछे, उसको कास्ट करने में आपका 49.16 मीटर की कंक्रीट लगेगा M35 ग्रेड का। इंजीनियर्स, इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रीइंफोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।